वेलकम टू ऑल ऑफ यू साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार। आप सभी का साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं यूनिट टू फूड चैप्टर 2.1 व्हेन फूड गेट एक्सप्लॉइट। ये आपके क्लास 5 का चैप्टर है। यह आपके सितंबर और अक्टूबर के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। चलिए तो हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए थे। हम लोगों ने ई नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, अब हमारे सामने एफ नंबर क्वेश्चन है। तो एफ नंबर भी मेरे ख्याल से कर ही लिया था, लेकिन एफ नंबर क्वेश्चन फिर से आप देख लीजिए। मरास्मस और क्वासियोरकर के आपके सिम्टम को लिखना है। ये आपके किताब में ही है, किताब से अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, किताब के ही अंदर का क्वेश्चन है। किताब में आपको देखना है दो बीमार बच्चों का फोटो बना हुआ था, वो वाला पेज मैंने आपको कल बताया भी है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ इसका आंसर है। ये देखिए, पहले सबसे पहले पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर 41 में इसका आंसर है। तो आपके क्वासियोरकर और मरास्मस में आपके जो सिम्टम होते हैं उसको आपको बताना है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ना लिख करके इसमें आप कर देंगे मरास्मस, इन मरास्मस, ठीक है। मरास्मस की स्पेलिंग यहाँ दी हुई है, इन मरास्मस, ठीक है। इन मरास्मस द चाइल्ड हैज स्टूनेड ग्रोथ रिंकल स्किन सफर फ्रॉम डायरिया फ्रिक्वेंटली। इतना ये मरास्मस के लिए हो गया। फिर मरास्मस के बाद से आप क्वासियोरकर के बारे में लिखेंगे कि द चाइल्ड हैज लो एपेटाइट स्वेलो बाय बेली रिड्यूस ग्रोथ और चाइल्ड शुड फीड, मैंने ये तो खैर रोकथाम वाला हो गया, ठीक है। तो रिड्यूस ग्रोथ तक लिख देंगे, इस हिसाब का दो लाइन का आंसर हो गया। फट से फिर मैं समझा दे रहा हूँ, मरास्मस के सिम्टोम में आपको लिखना है द चाइल्ड से लेकर के आपके डायरिया फ्रिक्वेंटली डायरिया तक, द से लेकर के आपके फ्रिक्वेंटली तक कर देना है। और फिर क्वासियोरकर के आंसर, मैंने इसी के आंसर में आपको क्वासियोरकर वाला जो है इसके सिम्टम में द चिल्ड्रन से लेकर के आपके रिड्यूस ग्रोथ तक हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका, यानी एच नंबर आपने सबने समझ लिया। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने एच नंबर कर लिया, अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने एच नंबर कर लिया, इसमें सिम्टम पूछा था मरास्मस और क्वासियोरकर का, ठीक है। ड्राइंग नहीं बनाना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि यार कि सर या आचार्य जी, ये क्या ड्राइंग बनाना है क्या? तो ड्राइंग आपको नहीं बनाना है, ठीक है। जी नंबर है, इसी में जी नंबर आंसर क्वेश्चन है आपका। आर हंगर डिजीज रिलीज्ड रिलेटेड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो हंगर डिजीज क्या रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से? तो होते हैं हंगर, आपके हंगर डिजीज जो होते हैं वह कोई कोई रिलेटेड होते हैं, कोई कोई नहीं होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में साइंस में जब पूरी तरह से कंफर्म नहीं रहता है तो हम लोग नो मानते हैं। नो हंगर डिजीज आर हंगर आर डिजीज रिलेटेड। लेकिन आपके किताब में जो दिया हुआ है, आपको जितना जानना है उसके अनुसार इसका आंसर यस होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? यस, जहाँ पे आर दिया हुआ है, ए आर ई आर दिया है, इसको हटा के वाई ई एस यस लिख देना है। हंगर डिजीज, हंगर एंड डिजीज आर रिलेटेड, ठीक है, आपके किताब के अनुसार रिलेटेड होगा। गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। तो मरास्मस और क्वासियोरकर आपके एग्जाम्पल हो गए। ये दोनों के दोनों जो हैं बीमारी, तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल, या गिव रीज़न के बाद आप गिव रीज़न में आपको इसके आंसर में लिखना है। आप तो यहाँ तक लिख लेंगे, है ना, जैसा मैंने समझाया। ये आर को हटा के आप यस कर देंगे, हंगर एंड डिजीज रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल, मैंने
ये गिव, इसके जगह आपको लिखना है फॉर एग्जांपल इन मरास्मस एंड क्वासियोरकर, ठीक है, बोथ आर डिजीज ड्यू टू हंगर, बोथ आर डिजीज ड्यू टू हंगर। चलिए तो इसको मैं एज पॉसिबल हो सकता है मैं इसको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, ये वन का जी नंबर, जैसा कि कल मैं आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन द वेरियस कॉज ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड लिख दिया था, उसी तरह से आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जी नंबर का आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाए। चलिए एच नंबर है, हाउ आर डिफिशियंसी डिजीज डिफरेंट फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। ये डिफिशियंसी डिजीज जो है वो मेल न्यूट्रिशन से डिफरेंट कैसे होते हैं मेल न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो देखिए बच्चे, डिफिशियंसी डिजीज़ जो होते हैं वो अलग होते हैं। डिफिशियंसी जैसे विटामिन की कमी से अलग कोई बीमारी होगा, आपके कैल्शियम फॉस्फोरस इन सब की कमी से कोई अलग बीमारी पकड़ लेगा, है ना। तो ये अलग होते हैं मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन में हुआ कि भोजन सही तरीके से नहीं खाया, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, आपके फैट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, जिनके चलते भी बीमारी हो सकती है। क्वासियोरकर मरास्मस भी हो सकता है ना, कोई बीमारी हो सकता है। लेकिन डिफिशियंसी डिजीज़ जो होती है वो खास करके उसी स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की कमी के चलते होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो आपके तो लिखने में समस्या होगी, इसलिए क्या है कि जी और एच जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है मैं रिटन फॉर्म में लिख दूंगा, ताकि आप इसको फेयर कॉपी में सही सही उतार लीजिए, ठीक है। चलिए दो नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, आंसर करेक्ट वाले को टिक करना है। देखिए दो दो ऑप्शन है, इसमें मैंने आपकी सुविधा के लिए टिक भी कर दिया है। ए नंबर है, आयरन आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो मैंने टिक जो लगाया है वो सही है, आयरन सही है। चलिए विटामिन ई, विटामिन के हेल्प टू हील ओंड बाय ब्लड क्लॉटिंग, तो आपका हो जाएगा विटामिन के, सही टिक लगा है इसमें। चलिए द फूड पाइप स्टोमेच इज कॉल्ड ओसोफेगस, तो पाइप हो जाएगा, पाइप पे टिक भी लगा हुआ है पेंसिल से। मॉल्टोज ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर दैट बॉडी कैन यूज, तो आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज लगा हुआ है, ठीक है। द सॉलिड वेस्ट इज गिवन आउट फ्रॉम एनस, एस्टोमेच नहीं होगा, ठीक है, एस्टोमेच गलत है, एनस होगा। इंसीजर कैनाइन हेल्प टू टीयर फूड, तो आपके इंसीजर जो होते हैं, ठीक है, टीयर सॉरी ये इंसीजर नहीं होगा, इंसीजर जो है काटने का काम करता है, जैसे कैंची काटती है वैसे इंसीजर जो दांत होता है वो काटने का काम करता है, फाड़ने का काम कैनाइन करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कैनाइन, ठीक है। चलिए आंसर इन वन वर्ड, वन वर्ड में आंसर देना है। डाइजेशन बिगिन हेयर, तो माउथ हो जाएगा MOUTH, माउथ, है ना। बी नंबर है डाइजेशन एंड हेयर, तो आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेशन हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म, मतलब भोजन जो है पूरी तरह से पच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लास्ट में पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो डाइजेशन एंड यानी डाइजेशन यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है, इसके बाद डाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, पचाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन का जिक्र भी यहाँ नहीं करना है, क्योंकि डाइजेशन है तो डाइजेशन जहाँ होता है, जहाँ फाइनली हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो लिखना है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें सही है। चलिए अब आता है आपका ट्रू फॉल्स लिखना है, राइट टी एंड एफ फॉर ट्रू एंड फॉल्स, ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, सारे के सारे जीवित प्राणी प्लांट पर निर्भर करते हैं, सही है। मून इज द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए ऑल फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्लांट विथ प्लांट, तो प्लांट से स्टार्ट होंगे फूड चेन, क्योंकि आपके प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ कुछ प्लांट हेटरोट्रॉप्स होते हैं, इसीलिए यह कहना गलत है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है।
जो प्लांट ऑटोट्रॉप होते हैं, ज़्यादातर ऑटोट्रॉप ही होते हैं, और कुछ एकाध जो होते हैं हेटरोट्रॉप होते हैं, ठीक है। मैनी फूड वेव इंटरलिंक टू फॉर्म फूड चेन, ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है, ये गलत होगा। फूड वेव जहाँ लिखा हुआ है वहाँ फूड चेन हो जाना चाहिए, और इधर फूड चेन की जगह फूड वेव हो जाना चाहिए, तब ये सही होता है, ये गलत है। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन आंसर है वह ख़त्म हो गया, ठीक है। अब तो इसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर नहीं होना चाहिए, एक बार देख लिया जाए कहीं क्वेश्चन आंसर और बाकी रह गया हो तो उसे हम लोग कर लेंगे। क्लास फाइव का हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन रह गया है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हम देख लें। नहीं, आपका क्वेश्चन जो है और भी है, 5, 6, 7 है ना, तो 5, 6, 7 भी क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग अभी कर लेते हैं, या अभी अगले वीडियो का एक इंतज़ार करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 5, 6, 7 ये नहीं, दूसरे एक्सरसाइज का है, 5, 6, 7 इसमें नहीं है, हम लोग देखते हैं 5, 6, 7 कहाँ है। ये भी आपका 5, 6, 7 नहीं है, 5, 6, 7 मेरे ख्याल से अभी नहीं लोड हो पाया है किसी कारण से, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते ये लोड नहीं हो पाया है। 5, 6, 7 इधर नहीं है, नहीं ये नहीं है, दूसरा है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं, कहीं इसका दिया हो तो, कहीं स्कोप बना हो। चलिए 5, 6, 7 मेरे ख्याल से नहीं है अभी, ये रहा 5, 6, 7, ठीक है। चलिए तो इसको ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग का रिवीजन चलेगा, हम आराम आराम से रिवीजन करेंगे हम सभी, क्योंकि आप सभी का भी सितंबर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी तरह से हो जाएगी, इसलिए रिवीजन के वीडियो बनेंगे। चलिए तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को आप किससे मिलान करेंगे, घास पात खाने वाला, तो गाय हो जाएगा हर्बीवोरस, ठीक है। तो हर्बीवोरस का मैं इसको छोटा कर दूँ ताकि मिलाने में आसान होगा, तो हर्बीवोरस आपका जाएगा कहाँ पे, काऊ पर, ठीक है। ये थोड़ा मिलाने में गड़बड़ हो गया, रुकिए। अब देखिए हर्बीवोरस का मिलान आप करेंगे काऊ से, ठीक है, फिर गड़बड़ क्यों हो जा रहा है। हर्बीवोरस को आप मिलाएंगे काऊ से, ठीक है, इसके बाद कार्निवोरस को आप मिलाएंगे टाइगर से, ठीक है, हर्बीवोरस को आप मिलाएंगे काऊ से, ठीक है, फिर ओमनीवोरस पूछ रहा है, ओमनीवोरस जो दोनों को खाए, है ना, तो ओमनीवोरस में आपके आ गए डिकम्पोजर में, तो बैक्टीरिया आते हैं जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए। पैरासाइट में आ गए आपके मॉस्क्यूटो हो गए, ठीक है, इससे नहीं हो पा रहा है, तो देखिए मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ, जैसे जैसे मैं वीडियो में बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप टिक आउट कर लेंगे, इसको हटा देते हैं, हट गया। अब देखिए हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को आप मिला देंगे इसे गॉट से मिला देंगे, बकरी से, ठीक है, चलिए हो गया। कार्निवोरस को आप मिला देंगे टाइगर से मिला देंगे, बी नंबर टाइगर हो जाएगा। ओमनीवोरस को आप मिलाएंगे, ओमनीवोरस यहाँ पे ऑप्शन शायद नहीं दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग आते हैं पैरासाइट, पैरासाइट में आ जाएगा मॉस्क्यूटो हो जाएगा पैरासाइट, और डिकम्पोजर में हो जाएगा बैक्टीरिया। आपका ओमनीवोरस इसमें नहीं दिया है, हम लोग जो काऊ जानते हैं वो ओमनीवोरस नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा काऊ के लिए, ठीक है, काऊ जो है आपका ओमनीवोरस नहीं होता है, इसलिए यहाँ ओमनीवोरस और काऊ दोनों ही कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ओमनीवोरस इसमें नहीं है कोई, ठीक है। काऊ और देखिए दोनों के दोनों आंसर चला जाएगा आपका किस में, तो दोनों के दोनों हर्बीवोरस हो जाएगा, और सॉरी काऊ नहीं है, क्राऊ है, मैंने गलती कर दिया दोबारा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पैरस जो आपके ओमनीवोरस जो होगा वो मैं काऊ पढ़ रहा था, एक क्राऊ है, ठीक है, सी नंबर जो है ये मिलान हो जाएगा क्राऊ से,
फिर आप देख लीजिए हर्बीवोरस, सबसे पहले है आपका हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मिलान आपको किससे करना है, गॉट से, ठीक है, यानी ए का मिलान करना है आपको लास्ट वाले से, ठीक है। फिर कार्निवोरस का आपको मिलान करना है टाइगर से। ओमनिवोरस का आप मिलान करेंगे क्राउस से, ठीक है, कौए से। पैरासाइट का मिलान करेंगे आप मॉस्क्यूटो से, और डिकम्पोजर का मिलान करेंगे बैक्टीरिया से, ठीक है, हो गया। चलिए अब गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नॉन ग्रीन प्लांट में कौन कौन हो जाएंगे, मशरूम, मोल्ड्स, रेड एल्गा, ALGA। एल्गा का स्पेलिंग मुझे लग रहा है कि इन्होंने गलत लिखा हुआ है, मशरूम, रेड एल्गा। तो आपको कितने एग्जांपल देने हैं, दो ही एग्जांपल देने हैं, तो ब्रेड और मोल्ड्स हो जाएगा, आपके मशरूम्स हो जाएंगे। रुके मैं देख लेता हूँ मोल्ड्स का स्पेलिंग सही दिया है कि नहीं दिया है, आपको गलत है स्पेलिंग नहीं लिखना है। मोल्ड्स का जो स्पेलिंग होगा, ठीक है, चलिए, तो नॉन ग्रीन प्लांट में आपके मशरूम एंड मोल्ड्स हो जाएंगे, आप ये नहीं लिखेंगे, जो यहाँ पे रेड एल्गा लिखा है ये नहीं लिखेंगे। चलिए इसके बाद है कार्निवोरस में आपके आ जाएंगे कार्निवोरस प्लांट्स है, ठीक है, तो पिचर प्लांट्स हो गए, है ना, और आपके पिचर प्लांट्स के बाद से इन्होंने नहीं लिखा है वेनस फ्लाई ट्रैप है, वेनस फ्लाई ट्रैप, इसकी स्पेलिंग मैं अभी लिख रहा हूँ, उसको आराम से आप देखिए, वेनस, VENUS, आपने देख लिया, VENUS, फ्लाई ट्रैप, FLY ट्रैप, TRA, रुकिए, वेनस फ्लाई ट्रैप। तो वेनस पहले लिखेंगे VENUS, वेनस हो गया, और फ्लाई ट्रैप तो FLYTRA और P, है ना, लास्ट में पी है। चलिए तो इससे वेनस फ्लाई ट्रैप हो जाएगा। पीचर प्लांट तो दिया हुआ था और मैंने आपको वेनस फ्लाई ट्रैप का स्पेलिंग भी बता दिया। चलिए अब आ गया हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में कौन कौन आएगा, घास पात खाने वाले जानवर, तो सबसे पहले काऊ आ जाएगा, फिर गॉट आ जाएगा, कोई दो ही लिखना है, तीन नहीं लिखना है, ठीक है, ये गलती से तीन दे दिया है, लेकिन दो ही लिखना है। कार्निवोरस में आ गया आपके टाइगर और लॉयन आ गया। एस्केवेंजर में आ गया वल्चर, VULTURE, उसके बाद देखिए ईगल है EAGLE, ठीक है, हो गया। अब आता है आपका MCQ क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट द गिवन स्पेस। देखिए जैसे गॉट क्या होगा, हर्बीवोरस। चलिए ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप, हर्बीवोरस, ऑटोट्रॉप, तो ग्रीन प्लांट आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हाइना क्या होते हैं, स्केवेंजर, इंसेक्टिवोरस और हर्बीवोरस। तो हाइना जो होते हैं वो कुछ भी भोजन करते हैं, ठीक है, तो ये आपके स्केवेंजर होते हैं, ठीक है, मरे हुए चीज़ों को खाते, कुछ भी खाते हैं, ये इंसेक्टिवोरस नहीं होंगे, केवल इंसेक्ट ही नहीं, वो कुछ भी खाते हैं, ठीक है। चलिए मेक योर ऑन डाइट चार्ट फॉर अ वीक। अब ये समझ लीजिए कैसे बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है। सप्ताह के सातों दिन के नाम आपको ध्यान है, संडे, मंडे, ट्यूसडे से लेकर के आपका सैटरडे तक आपको चार बार के भोजन का बनाना है, सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का लंच, फिर शाम का नाश्ता और फिर आपका रात का भोजन। इस तरह से आपको एक डाइट चार्ट बनाना है, अपने मन से बनाएंगे, है ना, हो सके उसका अनुकरण करेंगे, जैसे सुबह के नाश्ते में आपने क्या खाया, जैसे रोटी सब्जी खा ली, इसके बाद दोपहर में भोजन क्या किया, दाल भात सब्जी खा लिया, उसके बाद फिर शाम के समय क्या खाया, तो भूजा खा लिया, है ना, और रात में क्या खाया, तो फिर रोटी सब्जी खाई। इस तरह से क्या है कि आप
अपने सातों दिन के अलग अलग भोजन का आप एक अपना डाइट चार्ट बना लेंगे। इसमें लगभग सारी चीज़ें, कभी फल ही खा लिया, कभी अलग अलग तरह की सब्जी खा ली, कभी दाल भात की जगह दाल सब्जी खा लिया, मैंने सब्जी चावल खा लिया, भात चावल खा लिया, है ना। इस तरह से क्या है कि अलग अलग अपना डाइट का आप एक सप्ताह का अपना चार्ट बना लेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने सारे जो क्वेश्चन आंसर इसका कर लिया। अब आपका वीडियो बनेगा वह रिवीजन का बनेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।